बचपन और कहानियों का एक अलग ही नाता है। ये कहानियां ही तो हैं जो जिंदगी की छोटी से छोटी सीख बड़े ही सहज और सरल तरीके से दे जाती है, और इसी सीख पर निर्भर करता है बच्चों का व्यक्तित्व। ये इन कहानियों का जादू ही है जो बच्चों को जीवन पर भूलने नहीं देगा कि जिंदगी में नैतिक मूल्य का होना कितना जरूरी है। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनते हैं। बीमार बारहसिंगा की कहानी। एक पूरा बारहसिंगा बहुत अधिक बीमार हो गया, यहाँ तक कि वे अपने खाने तक के लिए उठ नहीं पा रहा था। बहुत प्रयास कर वे किसी तरह से अपने को खींच कर एक सुरक्षित जगह पर ले गए जहाँ उसे हरी घास आसानी से मिल जाए। बारहसिंगा बहुत अच्छा था और समय समय पर जंगल के दूसरे जानवर भी उसका हाल चाल पूछने आते रहते थे। सभी उसके जल्द ठीक हो जाने की कामना करते, इससे एक और समस्या हो जाती। सारे जानवर जाने से पहले बारहसिंगा के आसपास ही हरी घास भी चर जाते। कुछ ही दिनों में उसके आसपास की सारी हरी घास खत्म हो गई। बारहसिंगा ठीक तो हो गया, लेकिन उसने देखा कि उसके आसपास का मैदान पूरे तरह से खाली हो चुका था। वह अब काफी कमजोर था और किसी दूसरे मैदान में जाने लायक हिम्मत उसमें नहीं बची थी। भूख के मारे आखिरकार उस बारहसिंगा की मौत हो गई। उसके कथित मित्रों की लापरवाही का दंड उसे भुगतना पड़ गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।